Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV app डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. अरे बालवीर, ये सुरंग तो बंद है. पर ये कैसे हो सकता है माँ? कुछ पल पहले यहाँ तो सुरंग थी. कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी को हमारे इरादों के बारे में पता चल गया हो? अगर ऐसा है तो नटखट परी और परी तारा सुरक्षित नहीं है माँ. और हमारे पास ना ही शक्ति है और ना ही समय कि हम इस सुरंग को वापस खोज सके. फिर अब क्या करेंगे? अब तक तो नटखट परी वो परी तारा लेकर परी मैदान में पहुंच गई होगी. इससे पहले नटखट परी भयंकर परी को परी तारा का आधा हिस्सा दे, हमें उससे पहले परी मैदान तक पहुंचना होगा माँ. बहू, हाँ माँ, खीरा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बस हो ही गया है. चलो जल्दी जल्दी. हाँ हाँ माँ, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो. आपका गुजिया की तरह कड़क है. क्या मतलब? ऊपर से अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम मीठी. बहू मैं एक बात बताऊँ? हाँ. तू ना ये जलेबी की तरह टेढ़ी है. हाँ? यानी कि ऊपर से अंदर से एकदम मीठी. माँ ये आप इतनी सारी जलेबियाँ बना रही है, पूरे मोहल्ले को खिलानी है क्या? तुझे तो पता है ना, मानव महेश और तेरे बापूजी को जलेबी कितनी पसंद है. हाँ वो तो मैंने देख लिया. बापूजी को मैं जलेबियाँ सिर्फ टेस्ट करवाने ले गई थी और उन्होंने 8 जलेबियाँ खाई. हाय हाय, 8 जलेबियाँ खा गए? हाँ? तुम इतनी सारी जलेबियाँ लेकर ही क्यों गई? बेवकूफों, मुझे तुम्हारी हर चाल के बारे में पहले से ही पता था और इसीलिए मैं अपना आधा परितारा नकली लेकर आई थी. मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी बालवीर, ताकि मैं एक तीर से 2 निशाने लगा सकूं. एक पूरा परितारा हासिल कर सकूं और दूसरा तुम्हारा अंत हमेशा हमेशा के लिए. तो मैं तुम्हारा करूंगा भयंकर परी. अपनी अंतिम घड़ियां गिनना शुरू कर दो. तुम मेरा अंत करोगे? कैसे करोगे बालवीर? एक पल में तुम सबको हवा में मिट्टी बनाकर उड़ा सकती हूं मैं, लेकिन अभी नहीं. पहले मैं तुम सबको दिखाना चाहती हूं कि जिसकी रक्षा तुमने आज तक की वो परितारा आखिर में किसके हाथ आया. ये परितारा मेरा हुआ. देखो अंत में जीत मेरी हुई बालवीर. देखो बाल परी, देखो अपने लाडले को. मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूं इसे अपने चरणों में देखकर. बालवीर, ये तुमने क्या किया? बालवीर, बालवीर आज आपने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है.
चुप क्यों हो बालवीर? बोलो बोलो और तारीफ करो मेरी, बोलो कि सच्चाई पर बुराई की जीत हुई। नहीं भयंकर परी, तुम चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो जाओ लेकिन बुराई कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती। हेलमेट पहन के आना चाहिए था। हाँ, पहले हेलमेट पहनना चाहिए था, फिर स्कूटर चला के स्कूल आना चाहिए, है ना? अरे मेहर क्या तू भी, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर कोई शैतान बच्चा हमारे ऊपर गुब्बारा फेंक देगा तो? अरे तो गुब्बारा लग जाएगा। भयंकर परी हमारी दिशा में आ रही है। लेकिन भयंकर परी यहाँ आ गई तो फिर बालवीर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी ने बालवीर को कोई चोट पहुंचाई हो? नहीं नहीं बालवीर, बालवीर को कुछ नहीं होगा और वो हमें भी कुछ नहीं होने देगा। सामने आओ नटखट परी, तुम मुझसे ज्यादा देर छुप नहीं सकती। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा? अब जल्दी भयंकर परी हमें ढूंढ लेगी और हमारे पास उससे लड़ने की कोई शक्तियां भी नहीं है। कल दिल्ली के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने एक लड़के को पागल कहा तो उस लड़के ने प्रिंसिपल के सारे कपड़े फाड़ डाले। ओह माय गॉड, कितनी खतरनाक न्यूज है ये। आजकल के लड़के भी ना कमाल के। अरे बाप रे, कल मैंने भी मोंटू को पागल कहा था, मोंटू कहीं मेरे कपड़े ना फाड़ डाले। आज तो मैं कपड़े फाड़ के ही रहूंगा। हाँ सर, आज मैं कपड़े फाड़ के ही रहूंगा। आराम से मोंटू, शांत आओ आओ बेटा, बैठो बैठो बेटा। क्या लोगे, क्या खाओगे बेटा, मुझे बताओ क्या पियोगे? चाय ठंडा गरम? गरम गरम अभी मंगाता हूँ मोंटू। गरम का मतलब था मेरा दिमाग गरम है। अत्ता माची सचकली, कल आपने मुझे पागल कहा था ना? मोंटू मैंने तुझे पागल कहा था लेकिन प्यार से कहा था। तू भी पागल है? पागल? फिर से आपने मुझे पागल कहा? फिर से कहा लेकिन प्यार से कहा पागल है? प्यार से कहा लेकिन पागल कहा ना? नहीं नहीं बेटा, पागल कहा लेकिन प्यार से कहा है ना। तो मैं भी आपको एक प्यार से बात बताना चाहता हूँ। क्या? कल आपने मुझे पागल कहा था ना, तो मैं आज उसका सबूत लाया हूँ। बेटा तुम पागल हो, इस बात का सबूत लाने की क्या जरूरत है? मैं जानता हूँ ना। क्या कि मैं पागल हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम मोंटू हो। हाँ तो ठीक है, पर सर आप वो देखिए जो सर क्या देख रहे हो? वो देख रहा हूँ। अरे सर वो देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बताओ। सर बल्लू एक डुबा डुबा नाम का एक विचित्र प्राणी है, उसके बड़े बड़े कान और लंबी सी नाक है। रोहित केवल उस विचित्र प्राणी को अंदर लाओ। सर ठीक से देखना, उसके बड़े बड़े कान और लंबी सी नाक है। बस देखिए सर, देखिए। क्या देखूं? कहाँ है विचित्र प्राणी? मेरे पीछे। मोंटू मोंटू, तुम्हारे साथ में रहकर रोहित और केवल कभी कभी विचित्र हरकत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन लोगों को भी विचित्र कहूं। अरे सर रोहित केवल नहीं, ये एक मिनट सर, एक मिनट बता सर को कि तू एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा के नहीं तो। हाँ सर, हूँ मैं एक विचित्र प्राणी डूबा डूबा एक।
हाँ, और सर को ये भी बता कि मानो और मैं परी है। हाँ सर, है मानो और मैं परिया भी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।